दोस्तों अभी WhatsApp पर कुछ ही दिन पहले एक अपडेट आया है जिसमें बताया जा रहा है कि अब आप अपने WhatsApp जो ऐप फीचर है, पहले क्या होता था, हम WhatsApp ऐप फीचर को हम QR कोड को स्कैन करके ही अपने WhatsApp को डेस्कटॉप में या लैपटॉप में यूज़ कर पाते थे। बट अभी इस अपडेट के बाद ये होगा कि आपको QR कोड स्कैन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, आपको सिर्फ एक ट्रिक यूज़ करना है जो कि यहाँ पे न्यू अपडेट आया है। आप बोल सकते हो कि WhatsApp वेब का एक नया फ्यूचर है। जिस तरीके से काम करेगा सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बता रखा है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि WhatsApp वेब को यूज़ करने का कौन सा नया तरीका आ चुका है और अभी तक आपको क्यों नहीं मिला है, कैसे मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है। इस वीडियो को एक ही पार्ट को मिस मत करना। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, बिकॉज मोटिवेशन मिलता है इस तरह कंटेंट क्रिएट करने के लिए। बात करते हैं प्रोसेस की, चलते हैं सीधे मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, मैं अपना WhatsApp को यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम WhatsApp वेब को इस तरीके से यूज़ करते थे, जैसे हम किसी डेस्कटॉप में WhatsApp वेब सर्च करते थे, वहाँ पे हम स्कैन करके अपना जो WhatsApp है हम डेस्कटॉप में या किसी भी मोबाइल में भी हम लॉगिन कर पाते थे। तो फ्रेंड्स अब ऐसा नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप एक ही WhatsApp को मल्टीपल जगह पर लॉगिन करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो अब आपको यहीं पर मिल जा रहा फीचर, आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि 3 डॉट पर यहाँ पर टैप करोगे तो यहाँ मिलेगा लिंक डिवाइस, इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपको कब स्कैन करना है, जैसे आप न्यू अकाउंट जब बना रहे हो तो जैसे ही वहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन आता है तो हम मोबाइल नंबर इंटर नहीं करना है, डायरेक्ट वहाँ पे QR कोड एक आएगा, वहाँ पे आपको उस पर टैप करके यहाँ से स्कैन कर लोगे। तो ये तो हो गया जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ, आप इससे यूज़ करके आप एक ही मतलब एक ही अकाउंट को मल्टीपल डिवाइस में यूज़ कर सकते हो। लेकिन WhatsApp वेब में अब एक ऑप्शन आया है जिसमें आपको QR कोड स्कैन नहीं करना है। वो कैसे काम करेगा, आपको सिंपल सा अपने ब्राउज़र को ओपन करना है, आप कोई सा ब्राउज़र को यूज़ में ले सकते हो, एंड यहाँ सर्च के ऑप्शन पर आपको सिंपल सा टैप करना है WhatsApp वेब। चलिए मैं यहाँ पे टैप कर लेता हूँ इस तरीके से। जैसे फ्रेंड्स आप WhatsApp यहाँ पे वेब लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप वर्जन में अब मतलब यहाँ पे ऑन करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ डेस्कटॉप मोड में, क्योंकि ये ट्रिक तभी काम करेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेना इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए WhatsApp वेब के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट जो URL है इसके ऊपर टैप करना है, टैप करने के बाद रीडायरेक्ट करेगा आपके इस स्क्रीन पर, यहाँ पे कुछ इस तरीके का डेस्कटॉप वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए QR कोड भी शो हो रहा है, तो हम पहले QR कोड को ही स्कैन करके हम यहाँ पे अपने WhatsApp वेब को यूज़ कर पाते थे। बट अब यहाँ पे एक न्यू अपडेट आ चुका है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ मिलेगा एक ऑप्शन लिंक विथ फ़ोन नंबर। इसमें क्या होगा कि आप इस पर टैप करो तो यहाँ पे QR कोड स्कैन नहीं करना है, इस पर टैप करो तो यहाँ मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। आप जिसका भी WhatsApp इसमें आप लॉगिन करके यूज़ करना चाहते हैं उस नंबर यहाँ उसका नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उस नंबर से WhatsApp होना चाहिए तभी ये ट्रिक काम करेगा। चलिए मैं अपने एक फ्रेंड का नंबर है, मैं उस नंबर को यहाँ से इंटर कर लेता हूँ। जैसे फ्रेंड्स नंबर इंटर करेंगे तो यहाँ नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे टैप करोगे, टैप करने के बाद उस डिवाइस के अंदर एक नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए मेरे पास यही डिवाइस है, मैं इसको अनलॉक करके पहले देखता हूँ कि यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन मुझे मिला या नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मतलब 8 डिजिट का एक कोड दिख रहा है। ये किस तरीके से काम करेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस मोबाइल को अनलॉक कर लेंगे। चलिए यहाँ पे अनलॉक करके आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा दूसरा डिवाइस है, अब हम यहाँ पे नोटिफिकेशन बार को स्वाइप डाउन करूँगा। अब यहाँ पे जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो नोटिफिकेशन आ चुका है WhatsApp की तरह से, आपको सिंपल सा उस नोटिफिकेशन पे टैप करना है, एंड यहाँ पे एक कन्फर्म का एक इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। कन्फर्म पे टैप करना है, कन्फर्म पे टैप करोगे तो यहाँ आपको लॉक जो होगा या पासवर्ड होगा, आप इस पासवर्ड पे टैप करोगे यहाँ पासवर्ड आ जाएगा। आप करना अपना पासवर्ड मोबाइल का यहाँ पे इंटर कीजिएगा, इस तरीके से लॉगिन मतलब ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 डिजिट का कोड इंटर करने को बोल रहा है, अब सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो कोड दिख रहा है ना इस कोड को यहाँ पे इंटर करना। चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। देखिए मैं सारा कुछ कोड इंटर कर लिया, लास्ट बचा है 3, यहाँ पे उसको भी इंटर कर ले रहा हूँ 3। अब यहाँ पे देखिए लॉगिंग हो रहा है, देखिए अभी आपके स्क्रीन पर एकदम डायरेक्ट यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। जैसे ही लॉगिन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो ये WhatsApp ऑटोमेटिक इसमें लॉगिन हो जाएगा। जैसे ये लॉगिन मुझे जब सक्सेसफुल ये जो OTP है ये ले लेगा तब देखिए यहाँ पे लोडिंग प्रोसेस यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है गूगल क्रोम, यहाँ पे मेरा डिवाइस के नेम शो रहा है। अब देखिए यहाँ पे वो WhatsApp यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या पहले क्या QR कोड स्कैन करते थे, बट अगर आपका कैमरे की प्रॉब्लम है तो आप इसके द्वारा भी आप अपना WhatsApp किसी भी अदर डिवाइस में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप कमेंट करना ये आपको अपडेट पहले से पता था या नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो हम इस वीडियो के यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।